सो गाइस आज हम बात करेंगे कि इसकी एक्चुअली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। 10,000 किलोमीटर अगर आप चला रहे हो सो आपके सर्विस लगने हैं, इसमें तो यू नो एक स्प्लेंडर आ जाएगी यार। सो हेलो गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इन्फो इंस्टा। और यार ये है अपनी KTM 390। सो काफ़ी सारे लोगों ने यार सवाल पूछा था कि भाई इसके बारे में बताओ यार, ये क्या माइलेज देती है, इसके ब्रेक पैड कितने के आते हैं, इसकी सर्विस कितने की होती है। ऑल दो मैं सारी वीडियोस ऑलमोस्ट बना चुका हूँ, बट आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको टाइटल पढ़कर पता लग ही गया होगा, कि KTM ड्यूक 390 एक किलोमीटर कितने रुपए में चलती है। सो गाइस आज हम बात करेंगे कि इसकी एक्चुअली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, उसमें हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे। अब देखिए सवाल ये आता है कि जो इंडियंस होते हैं ना, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें रहती हैं, वो हमेशा कोई भी बाइक लेने से पहले सोचते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, इसका सर्विस कैसा रहेगा, इसकी माइलेज कैसी आएगी, इसके पार्ट्स कितने महंगे आते हैं। सो वो सब चीज़ें सोचना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप किसी चीज़ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड बाद में अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़े सो फिर वो मज़े वाली बात नहीं रह जाती। सो इसलिए आज हम बात करेंगे कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, उसमें मैं सब कुछ इंक्लूड कर लूँगा, चाहे वो टायर्स हो, चाहे आपके ब्रेक पैड हो, सर्विस हो, फ्यूल हो, इंश्योरेंस हो। मतलब ये मान के चलिए कि जब आपने बाइक ले ली उसके बाद आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे इसको रन करने के लिए। जिस प्राइस में ये आती है ना, उस प्राइस में ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो पावर ये प्रोवाइड कराती है उतनी पावर आपको मिल ही नहीं सकती। जो फ़न ये प्रोवाइड कराएगी ना आपको, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो घाट्स हो, सिटी में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा हीटिंग इशू है, सो डेफिनेटली वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लो एंड में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो एनीवेज वाहन नहीं जाते एंड आज हम बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। सो सबसे पहले मैं शुरू करूँ कि देखिए बाइक चल चुकी है 11,000 किलोमीटर आपके सामने, अभी 11,000 ये हो जाएगी। सो 11,000 किलोमीटर के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो उसी को रेफरेंस रखेंगे। और क्योंकि मुझे इसका आइडिया हो चुका है, देखिए आप नेट पर पढ़ेंगे तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एंड माय गॉड वाओ मैन, इसके आगे आप सारी की सारी जो मेंटेनेंस क्वेश्चन है वो भूल जाएंगे, ऐसे ये उड़ती है। खैर एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेट पर आप जो भी पढ़ते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और डेफिनेटली एक रियल बायर जो है वो आपको सही से बता सकता है, रियल बायर कहूँ या फिर रियल यूज़र आप बोल सकते हो, वो आपको सही से एक आइडिया दे सकता है। तो हम एक नॉर्मल यूसेज को लेकर चलेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगर ऐसी बाइक लेते हो तो आप उसको चलाने के लिए लोगे, ना कि सजाने के लिए। सो अगर आप नॉर्मल चलाते हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10,000 किलोमीटर तो चला ही दोगे इसे, अगर आप टूरिंग करते हो, डेली पर्पज़ में भी अगर यूज़ करते हो या ओकेजनल फन के लिए यूज़ करते हो तो 10,000 किलोमीटर मैं मान के चल रहा हूँ, और मेरा भी यही एस्टिमेट है कि मैं एक साल में इसे 10,000 किलोमीटर चला दूँगा। सो ये वीडियो मेरे रेफरेंस के लिए भी हो जाएगी और आपके लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। सो हम मान के चल रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर पर आपकी क्या जो है कॉस्ट आएगी। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी आपका इंश्योरेंस, चाहे आप चलाएं या ना चलाएं तो आपको इंश्योरेंस तो यार पे करना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते, है ना। सो इंश्योरेंस में नई बाइक की मान के चल रहा हूँ कि 8,000 से 10,000 के बीच में आ जाएगी, डिपेंड अपॉन कि आप उसमें क्या क्या ऐड कराते हैं, RS ऐड कराते हैं या फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऐड कराते हैं या कुछ और ऐड कराते हैं, तो 8 से 10K में मान के चल रहा हूँ कि एक साल में इतना आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फ्यूल पर, ठीक है। अब देखिए बाइक चलाएंगे तो फ्यूल तो डलेगा ही डलेगा ना, सो एवरेज की वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वो चेक कर लेना। अगर आप सही से चलाते हैं तो ये बाइक जो है आपको 28 आराम से निकाल के दे देगी, अगर आप काफ़ी अच्छी चलाते हैं तो उस केस में तो ये 32 के आसपास भी पहुंच जाती है, बट अगर आप भगाने आते हैं, वाह ओ मैन
अगर आप ऐसे भगाते हैं तो फॉरगेट अबाउट माइलेज, 20-22 तक ये देगी। एंड मैं यही मान के चल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप नॉर्मली चलाते हैं तो ये बाइक आपको 28 तो बहुत ही मज़े में दे देगी, बहुत ही मज़े में। एंड फ्यूल का जो अभी प्राइस है, मैं इसमें जो डलवाता हूँ वो डलवाता हूँ मैं प्रीमियम फ्यूल, क्योंकि आपका आ जाता है अप्रॉक्स 84, तो ये आपका 28 की अगर माइलेज हो गई, सो 3 रुपीज़ पर किलोमीटर तो आपका फ्यूल का हो गया, ठीक है। अगर साल में 10,000 किलोमीटर चला रहे हैं तो 30,000 रुपये आपका फ्यूल का गोश्त आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आ जाते हैं सर्विस पर। सर्विस का मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, KTM बोलती है कि 6 महीने में आप सर्विस कराओ। सर्विस इंटरवल इसका 7,500 है। सर्विस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, सो आप वो भी एक बार चेक कर लेना। आपसे ये कहूँगा कि मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप एक साल में एक बार ही कराओ सर्विस, और बस जैसे ही 7,500 किलोमीटर हो या तो तब करा लो या फिर साल में एक बार करा लो। एंड क्योंकि KTM को सपोर्ट कर रहा है बजाज, तो इसके मेंटेनेंस जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। तो 2 साल का अगर हम माने तो आपका 20,000 किलोमीटर हो जाते हैं। एंड ओ माय गॉड, थोड़े से स्टीफन सस्पेंशन, सो वेट, सो मैं ये कह रहा था गाइस कि कहाँ पर थे हम, हाँ तो हम थे सर्विस पर। 2 साल में आप करा लो, 3 सर्विस आप करा लो तो आपके ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। सो मैं ये मान के चलूँ कि 1 साल और 10,000 किलोमीटर में अगर आप करा रहे हैं तो आपके ऑलमोस्ट 1.5 गुना आएगा सर्विस, एक सर्विस और हाफ सर्विस आप जिसे बोल सकते हो। तो 2 साल में आपकी 3 सर्विस हो जाएगी, तो हम 1 साल में मान रहे हैं कि 1.5 सर्विस होगी। अब एक सर्विस की कॉस्ट जो है वो 3,000 से ऊपर नहीं जाती है, 900 जिसमें कि लेबर चार्ज है एंड इंजन ऑयल 1400 के आसपास, बाकी एयर फिल्टर छोटे मोटे पार्ट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं जो कंज्यूमेबल्स हैं, है ना। एंड वो सब चीज़ें मिला के 3,000 के आसपास आएगी, तो 4,500 रुपीज़ तो यही हो गए 10,000 किलोमीटर में के हम मान के चल रहे हैं। अब कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपकी, क्योंकि आप बाइक चलाओगे तो घिसेगी। सबसे पहली चीज़, एक टायर का सेट आपका चला जाएगा 10,000 किलोमीटर के आसपास, अगर वो मेटजलर हैं तो। एंड अगर वो मेटजलर नहीं है तो भी ऑलमोस्ट इतना चला ही जाएगा, क्योंकि इसको आराम से कोई चलाता नहीं है। सो 10,000 किलोमीटर उसको मान लेते हैं एक टायर का सेट। अगर आप मेटजलर डलवाते हैं तो 15,000 के आसपास आएगा। एंड अगर आप अपोलो अल्फा H1 डलवाते हैं तो वो 10,000 के आसपास आएगा, और वो बहुत ही अच्छा टायर है, मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा। सो 10,000 रुपये हम मान के चलते हैं कि अपोलो H1 आ जाएगा, एक टायर का सेट ये खा जाती है, ठीक है। ऑल्दो अभी फ्रंट वाला चल रहा है, बट स्टिल ऑन सेफर साइड आई एम सेइंग कि 10,000 किलोमीटर मान लेते हैं। और अभी अभी रिसेंटली मैंने इसका चेन सेट चेंज कराया है, 10,000 किलोमीटर पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, सो एक चेन सेट भी आप मान के चल लो, क्योंकि देखिए इतनी पावर है तो यार चेन सेट भी जाएगा। चेन सेट ऑलमोस्ट इसका आता है 2500 के आसपास, सो वो भी एक कॉस्ट आप ऐड कर लो। साथ साथ इसमें आ जाएगा एक आपका ब्रेक पैड का सेट, चाहे आप आगे ब्रेम्बो के सिंथेटिक ब्रेक पैड डलवा लो और पीछे नॉर्मल डलवा लो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है आगे भी सेरेमिक डलवा लो और पीछे भी सेरेमिक डलवा लो, सो ऑलमोस्ट 2,000-2,200 रुपये के आसपास आ जाएगा आपका खर्चा, है ना। सो इतनी आपकी अगर कॉस्ट आ रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि देखिए, ये बाइक जो होती है इनमें आपको चेन भी लूप करनी होती है, है ना। सो चेन लूप का मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 1,000 रुपये लगा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा खुद अगर आप करोगे तो। सो वो कॉस्ट भी हमें ऐड कर लेते हैं, है ना। अरे यार क्या ड्रामा है यार, एक तो ये स्पीड लिमिट ने बहुत दुखी कर रखा है। सो ये सारे सर्विस कॉस्ट अगर हम मिलाएं, सो मेरे हिसाब से कितना पड़ेगा, 30,000। अभी रुक कर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करानी पड़ेगी, और हो सकता है कुछ एक दो चीज़ें और आपको करानी पड़े। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है। सो ये सारी जो है सर्विस कॉस्ट इसकी रहेगी, और मैंने लिखा हुआ था तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पढ़ के पूरा रिपीट मैं कर देता हूँ ताकि आपको जो है
पता लग जाए, ठीक है ना। सो 4500 मैंने आपको सर्विस का बताया, डेट सर्विस, ठीक है। वन सेट ऑफ़ टायर्स 10,000, वन सेट ऑफ़ ब्रेक पैड 2,000, वन चेन सेट जो है वो आपका 2,500, फ्यूल 30,000 के आसपास एंड इंश्योरेंस 10,000 के आसपास, चेन ल्यूब 1,000 के आसपास। अगर हम इन सबको करें तो ये आपका पड़ेगा 60,000। सो 60,000 का मतलब 10,000 किलोमीटर अगर आप चला रहे हो सो आपके 60,000 रुपीस लगने हैं। इसमें तो यू नो एक स्प्लेंडर आ जाएगी यार, थोड़े से पैसे और मिलाकर, है ना। बट जिस तरीके का ये फन आपको ये वाली बाइक देगी ना, वो स्प्लेंडर और कोई भी बाइक नहीं दे सकती, आई एम टेलिंग यू, और कोई भी बाइक नहीं दे सकती। सो भूल जाओ यार, सर्विस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ये आपको एक साउंड के अलावा एक सुपर बाइक के मजे तो आपको ये दे ही देगी। आप चाहें तो सुपर बाइक के साथ चल सकते हैं, प्योर वैल्यू फॉर मनी है ये बाइक। और ये तो अभी बजाज आपको सारा सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। अगर KTM आप बाहर से कंपेयर करेंगे सो एक तो महंगी आएगी, साथ में सर्विस भी बहुत महंगी होगी। सो यहाँ पर तो इंडिया में मैं यही कहूँगा कि काफ़ी रीज़नेबल है ये कॉस्ट, आप बहुत ईजिली बियर कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगेन आपको एक बार छोटी सी मैं लुक इसकी दिखा देता हूँ एंड देख सकते हो आप, आपको आवाज़ आ रही होगी, एग्जॉस्ट मैंने लगा रखा था तो उसी की आवाज़ थी, अगली वीडियो एग्जॉस्ट पर आएगी। सो गाइस कमेंट करके जो बताना कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो KTM चलती है 6 रुपये पर किलोमीटर में। क्या कहूँ यार, बहुत ही मज़ेदार बाइक है यार, बहुत ही मज़ेदार बाइक है। सो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फोइंस्टा साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय। एंड वीडियो के सपोर्ट के लिए यार लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूल जाना। सो गाइस बाय बाय।